तो अपनी वहनी से बात कर रही है, और मुझे भी नहीं लगता कि मंजू ने कुछ भी गलत कहा है। यही तो प्रॉब्लम है ना दादा, कि आजकल आपको वहनी की हर बात सही लगती है। अरे वहनी से समझदारी की उम्मीद करना गलत है, लेकिन आप तो सही गलत का फर्क समझते हैं, अच्छाई क्या है जानते हैं, आप अच्छाई की कदर करते हैं ना, तो फिर आप मानव पे ऐसा कैसे इल्जाम लगा सकते हैं दादा? वहनी बिना कुछ सोचे समझे मानव के खिलाफ बोल रही है, और आप कुछ नहीं कह रहे। एक मिनट अर्चना, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इतने सालों से जानने के बावजूद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा कि मैं तुम्हारे बाबा और अपने बाबा में फर्क नहीं समझती, और सपने में भी कभी ऐसा करने की सोच नहीं सकता। नमस्कार वहनी। नमस्कार। नमस्कार। घर में सब कैसे? और अर्चना मानो, वो दोनों कैसे? सिचुएशन हमारे फेवर में हो रहा है या नहीं? हाँ, सिचुएशन बिल्कुल हमारे हिसाब से बदल रही है। देखा ही, हम यहाँ है, हम रह रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं। हमें कहीं नहीं जाना है, प्लीज। हाय, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहाँ खुश नहीं हैं? हम यहाँ खुश हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे बताऊं, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब हालात ऐसे थे कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे, और फिर शादी के बाद तुम ऐसे परिस्थितियों में रहे कि कुछ लाड़ प्यार की गुंजाइश ही नहीं थी, तो हमने सोचा कि ऐसा समझो कि हम लोग तुम दोनों को हनीमून पे भेज रहे हैं। एक दूसरे के साथ गुजारे हुए यही पल जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं, बस आगे तुम दोनों की मर्जी। बाबा, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे हमारी जिंदगी एक एक पैसा कमाने में निकली जा रही है, जो भी पैसा आता है वो घर के खर्चे में चला जाता है, थोड़ा बहुत जो भी बचता है वो हम हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए रख देते हैं। विनोद, अरे विनोद, हमारी भी तो ख्वाहिश है, चाहते हैं उन्हें मारकर जी रहे ना। तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ अन्याय है? विनोद, तुम जाकर आई से बात करो। तुम ठीक कह रही हो मंजू, मुझे आई से बात करनी ही पड़ेगी। बात करने की कोई जरूरत नहीं है विनोद, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेवजह चिंता करने के तुम्हारी बीवी की आदत कब छूटेगी। बेवजह? आई, मेरी चिंता बेवजह है? आप हमारे पैसों से? कौन मांग रहा है तुमसे पैसे? क्या कभी मैंने या विनोद के बाबा ने तुमसे ये कहा कि अर्चना और मानव को बाहर गांव भेजना है, थोड़े से पैसे दो? आई, मेरे सवाल का जवाब दो मंजू। नहीं तो फिर खामखा का ये बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? तुम्हारे पैसों से हम अपने बच्चों की खुशियां खरीदे, इतने गए गुजरे नहीं है हम। अर्चना और मानव को हनीमून पर भेजना हमारी इच्छा थी, और वो हम अपने पैसों से ही पूरी करेंगे। हमने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे थे, उन्हीं में से एक एफडी तुड़वा कर हम उन्हें भेज रहे हैं। हेलो। हेलो, कितनी बार कहा है तुमसे, जब मैं मुंबई में रहूं मुझे इस टाइम पर फोन मत किया करो।